हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स। ओके, लॉगरिथम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, है ना। तो इस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और इसके बेसिक्स बहुत कम होते हैं 10th स्टैंडर्ड में। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज लॉगरिथम्स? ओके, इफ एक्स एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, एक्स और बी ये दो पॉजिटिव नंबर अगर है तो log x b is read as logarithms of x to the base b। इसको पढ़ना कैसे पहले समझ लो। This is read as log x to the base b, base है। ओके, इसका बेस का कंसेप्ट समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। log x to the base b is equal to y। ओके, इसके दो स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट। पहला तो तुमको मैंने अभी जो बोल के बताया, दिस इज log x to the base b is equal to y, ये पहला। दूसरा है when b is raised to power y, it is equal to x। ये स्टेटमेंट में जो लिखा है, मैंने लिखा है, वो आप भी लिखो। ओके, और इसको हम लोग समझेंगे। इसका मतलब आज से यही समझना है आपने कि जब b यानी बेस को आपने y का पावर रेस किया, मतलब when b is raised to the power y, then answer is x। This is the meaning of logarithm। ये है logarithm की definition, ये है logarithm का meaning। ठीक, okay। So अगले बार जब कुछ ऐसा लिखे log x to the base 10 is 7, तो तुमने क्या समझना है कि जब 10 का पावर 7 लगाएंगे तो आंसर x मिलेगा। 10 to the power 7 is equal to x, या फिर x is equal to 10 to the power 7। मैं तो समझता हूँ कि भाई एक काम करो, लॉग हटा दो, ये 10 को इधर लेके चल जाओ, तो चला गया 10। जो 7 ऑलरेडी था वो उसके पावर में चला गया फिर 7। वैसे ये टेक्निक है ध्यान में रखने का, लेकिन वैसे तो मीनिंग यही है कि भाई जब बेस का पावर ये इक्वल टू वाला नंबर लगाएंगे हम लोग, चढ़ाएंगे, तो ये आंसर मिलेगा। ओके, तो ये सब लिख लो पहले। ओके, फिर जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, उसका शीट भी देंगे, तो तुमको पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके एग्जांपल्स लेता हूं मैं। एग्जांपल्स क्या है इसके, देखो यहां पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल log x, पहला एग्जांपल है 3 is equal to 9। ओके, बेस क्या है 3, तो ये जो आंसर है x, दैट इज रिटन एज बेस टू द पावर इक्वल टू ए नंबर 3 टू द पावर 9। वेरी सिंपल, समझा? नहीं तो वैसे भी समझो, ये x लिखा, 3 इधर चला गया, जो नंबर था वो उसके पावर में चला गया। ओके, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 8 ऐसा कैसे लिखा जाएगा, 2 इधर चलेगा, यानी 2 का कितना पावर x रेज करने सो दैट आंसर 8 मिलेगा। इसको अगर और सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 2 का क्या पावर लगाएंगे तो 8 मिलेगा आंसर, तो x is equal to 3 भी आ जाएगा यहां पे। ओके, सो दिस इज सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम एक सॉल्व करके देखते हो, लॉ 27 to the base 3 is y। इसको अगर सॉल्व किया तो हमको क्या मिलेगा, 3 इधर चला गया, मतलब 27 is equal to 3 to the power 1। 3 का क्या पावर 27 है, तो y is equal to 3। सिंपल। ओके, एक और, नाउ log x
टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो x इज रिटन एज 3, इधर चला गया वो पावर, चल गया 3 टू द पावर 4. व्हाट इज 3 टू द पावर 4? 18. कंसेप्ट ध्यान में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? ओके, सो अगर log x टू द बेस b इज इक्वल टू y दिया है, तो अगले बार से ध्यान में रखना कि x इज इक्वल टू b टू द पावर y लिखना है. ओके, इतना ही मैथमेटिकल पार्ट हमारे फिजिक्स में काम में आने वाला है, बस इसको याद रखें. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट आर द रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स. ओके, व्हाट आर द रूल्स ऑफ लॉगरिथम? रूल्स, सबसे पहला प्रोडक्ट का, log m into n to the base b, that is equal to log m to the base b plus log n to the base b. Write down the rules, साथ ही साथ लिखते चलो. log m into n to the base b equal to log m to the base b plus log n to the base b. दूसरा रूल है log m by n to the base b is equal to log m to the base b minus log n to the base b. ठीक है, तीसरा रूल log m to the power n to the base b, that is written as n सामने आ जाएगा, जो पावर है m का पावर है वो सामने आ जाएगा, that is written as n log m to the base b. ठीक है, चौथा log b to the base b, log number to the base same number is always 1, ये property याद रखना, this is very important one, log any number to the base same number is always 1. concept आया ध्यान में? Okay, now जैसे अब इसको solve करेंगे हम लोग, एक concept solve करके देखते हैं, example solve करके देखते हैं. example इसका, example है कैलकुलेट लॉग एक्स वाई अपॉन जेड टू द बेस 10. पहला प्रोडक्ट में है तो दोनों का क्या होगा? एडिशन, लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस लॉग वाई टू द बेस 10. फिर जेड कैसे डिवीजन में है तो क्या लगेगा? माइनस लॉग जेड टू द बेस 10. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट लॉग x टू द बेस 10 क्यूब. इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये 3 सामने आ जाएगा, दैट इज रिटन एज 3 log x टू द बेस 10. वेरी सिंपल, है ना? एंड लास्ट पार्ट इसमें, ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज व्हेन एनी नंबर log x इज रिप्रेजेंट टू द बेस e. यहां पे बेस जो है वो कौन है? e. तो हम लोग इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम. क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिथम. तो इसको लिखने का तरीका है ln x, ln x. ओके, तो जब ln लिखा है इसका मतलब समझ जाना है कि log टू द बेस e है, log टू द बेस e है. और मैथमेटिक्स में e का वैल्यू जो है डिफाइंड है, e का वैल्यू इज 2.718. सिर्फ ये नोट डाउन करके रखना है जनरल नॉलेज के लिए, जब सॉल्विंग का बात आएगा 11th स्टैंडर्ड के, जब काम आएगा तब इसका यूज होगा. सिर्फ एज ऑफ नाउ नोट करके रख लो कि भाई जब भी लॉग टू द बेस, जैसे लॉग टू द एक्स टू द बेस ई दिखा तो ध्यान में रख लेना हमको एल एन एक्स लिखना है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉगरिथम्स. इसका प्रैक्टिस शीट भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए, वहां पे इसका प्रैक्टिस शीट दिखेगा और इसको सॉल्व कीजिए. दैट्स इट.